देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है रंगीन बहुत है रूठे कभी तो हो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगा ले इनसे ताली पे देते तार। चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते हर गुदड़ी में ऐसे लाल। देखो ये है एक रुपया। हमको का बता रहे हो, हमारे तो लिए हो। जानते हैं मेरे हाथ में है एक रुपया। तो देखो हम इसे कैसे गायब करते हैं। गायब सचमुच करो करो। अब देखो जलवा कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। तुम कलकत्ते वाली और ये रुपया गायब। तो कैसे जादू मैजिक? हम नहीं मानते। दूसरा हाथ खोल के देखो। अरे काय तो रहा है मैजिक? नहीं, दूसरा हाथ खोल के देखो तब मानेंगे। विचकार हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, फिर से करके दिखाओ पहले। अरे तो और पैसे लाओ और फिर काय करके दिखाते। हाँ हम लाते हैं। पापा हमको 10 रुपए दीजिए ना। का है ना, आज जुगाड़ू भैया है ना रुपया गायब करने का खेल दिखा रहे हैं इसलिए। तो इमा कोना नई बात है, तोहार भैया को 10 रुपए का 100 रुपए दो वो भी गायब कर देता है। पापा देखा अम्मा ई है हमरे पापा। ताना मार मार के ताना साह हो गए। हम ऐलान कर दे रहे हैं अगर ई ताना साही बन नहीं हुई तो जनता बगावत कर देगी। अरे तुम्हारा अम्मा बकवास शुरू कर देगी। जुगाड़ू इनकी बातों को कहे हटवा पे लेते हो। देखा देखा, अरे हम कोनो गलत कहेगा तुम्हार बिटवा को ही शौक है रुपया गायब करने का। शौक नहीं है मैजिक है। अरे बिटवा मैजिक नहीं है, मैजिक तो तब होता है जब तुम रुपया डबल करके दिखा दे। अरे वो भी करके दिखा देंगे। अरे बबुआ तुम्हार बस का बात नहीं है, तुम तो मजमा की तरह मदारी लगाकर पैसा बन जाओ, 4 बंदर कमा लोगे। हे भगवान। अरे मदारी की तरह मजमा लगाकर बंदर बन जाओ, 4 पैसे कमा लो। ठीक बोल लीजिए पापा, बोल लीजिए। एक दिन हम आपको रुपया डबल करने का जुगाड़ करके दिखाएंगे, वरना हमारा नाम मिस्टर जुगाड़ू लाल। अरे जुगाड़ू, अरे तनी बाहर आना, काम है तुमसे। विपाशा 2 मिनट रुको, भाई आ रहे हैं। देखा पापा मार्केट में कितनी डिमांड है हमारी। तुम किसी दिन जाओगे रिमांड पर। अरे क्या बात है अम्मा, कसम एकदम लल्लन टॉप स्मार्ट लग रहे हो। नहा क्या है ना, इसीलिए स्मार्ट लग रहे हैं। है? अबे तो रोज नहीं नहाते हो का? अबे तो क्या रोज स्मार्ट नहीं लगते है का? अरे है बातें बनाने में तो तुमसे कहना जीत ही नहीं सकता जुगाड़ू। ऐसा है मक्खन बाजी छोड़ो, ये बताओ कि काम क्या है। तो बिना काम के हम तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकते का? चलो मान लिया, अब ये बताओ कि बात क्या है। जयराम जी की चाचा। हमको कोनो काम नहीं है। अरे जुगाड़ू वो जो हमारे जीजा है ना, वही गलती से। हाँ हाँ वही, वो थोड़े प्रॉब्लम में है। अब जुगाड़ू प्रॉब्लम ऐसा है कि हम जीजी को बता भी नहीं सकते और अम्मा कसम जीजी से छुपा भी नहीं सकते। तो अपनी जीजी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो? अबे गोबर भरा है का? ऐसी वैसी कोनो बात नहीं है। अरे अम्मा कसम हम तो उनको भाई जैसा मानते हैं। तो फिर वो अपने पटकापुर की है या कहीं बाहर की? अरे जुगाड़ू प्रॉब्लम छोकरी की नहीं तो है। प्रॉब्लम का है? अब बताए कि जान। अरे बताओ बताओ बताओ। प्रॉब्लम ये है जुगाड़ू की हमारे जीजा 2 दिन पहले हजामत बनवा रहे थे। भैया हाँ एगो बात कहें। कहो। आपका जैसा दिमाग वाला आदमी को हाँ ये 2 टका का नौकरी में पढ़ना ही नहीं चाहिए। कोई बिजनेस का है नहीं कर लेते हैं भैया? अरे हरिया
बिजनेस करने में पैसा लगता है, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास गलती से। भैया दिमाग हो ना तो आदमी थोड़ा को भी ज्यादा बना लेता है। अच्छा हमी को देखिए ना, एक हफ्ता के बाद नया सैलून खोलने का तैयारी है। अरे ये सैलून भी तो त्योहार है गलती से। ऐसा नहीं ना भैया, ऐसा नहीं चकाचक एसी वाला वो भी यहाँ नहीं तो शहर में। भैया क्या बात कर रहे हो। सही बोल रहे हैं भैया, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे नट्टू चाचा है ना जिनका फाइनेंस का कंपनी है। अच्छा उनके यहाँ हम पैसा लगाए हैं। अच्छा एक हफ्ता में पैसा डबल। हाँ एक हफ्ता में पैसा डबल। पर हमारे पास तो लगाए के लिए 20,000 रुपया भी नहीं है गलती से। अरे भैया तो हमारे पास जाता 3,20,000 रुपया बनाने के लिए पैसा। तो अपना जोरू का कहना को गिरवी रख दिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उसको पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला ना। एक सप्ताह के बाद गहना को वापस लाए, अब चुपचाप गिरवी छोड़वा के रख दिए जगह पर। अभी तक नहीं आए, पता नहीं का का कर रहे होंगे, किन किन लड़कियों को घूर रहे होंगे, किन किन से बातें कर रहे होंगे। और गांव की लड़कियां ना बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, भैया भैया कह के रिश्ता जोड़ लेती हैं, और ये गलती कर लेते हैं फिर कहते हैं हो गया गलती से। अरे का हुआ सीला रानी, अरे अकेले में किससे बात चल रही है गलती से। हम कौन पागल है का जो अकेले में बतियाएंगे। अरे नहीं लगती तो नहीं हो तुम गलती से। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ इतना देर कहाँ लगा दिए। अरे हजामत बनवाने में थोड़ी देर तो लगी जाती है ना गलती से। दाढ़ी बनवा रहे थे कि वहाँ आती जाती लुगाइयों को ताड़ रहे थे। अरे सीला रानी ये बात बताओ, अब हजामत बनवाने में लड़की ताड़ने का विषय कहाँ से आ गया गलती से। मैं आजकल के पतियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, पत्नी की मौत पे भी लड़की ताड़ने से बाज नहीं आते। अरे एक मौका तो देकर देखो, किसी को भी नहीं ताड़ेंगे हम, तो हार सर पे हाथ रख के कसम खाते। हाँ हाँ तुम चाहते हो ना कि हम मर जाए तुम्हारी वजह से, लेकिन जब हम मर जाएंगे ना तब पता चलेगा तुमको। हाँ लेकिन हम मरने वालों में से नहीं है तुम्हारी वजह से। अरे सीला रानी, अरे काहे इतना गुस्सा करती हो। देखो अब हम वहाँ हजामत बनवाने नहीं जाएंगे, उका यहाँ बुलाएंगे और तुहार सामने बैठ के हजामत बनवाएंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, वो हरिराम है ना, वो कह रहा था कि आजकल गांव में चोरी चकारी बहुत हो रही है। वो अपने मिसराइन के घर में एक चोर घुसा तो सारे गहने चुरा के भाग गया गलती से। मिसराइन? हाँ? मिसराइन कौन है जी? अरे अपने मिश्रा जी की वाइफ, समझती नहीं हो तुम सीला रानी। अरे हमारी बात में मिसराइन के अलावा गहने और चोर शब्द भी थे ना, तुमने सुना ही नहीं गलती से। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, चोर घर में आएगा तो गहने ही ना चुराएगा। अरे तुमको पता नहीं है सीला रानी, बात ये है कि वो जो हंडिया गांव है ना, वहाँ पे एक चोर घर में घुस गया और सारे गहने चुरा के भाग गया, और जाते जाते घर की मालकिन का मर्डर भी कर दिया। तुम भी तो घर में ही सारे गहने रखती हो। का तुम्हारे कहने का मतलब का है, जो हमारा खून कर देगा का। अब कोनो कर गया गलती से तो हम का करेंगे गलती से। तो अब हम का करें, देना अम्मा के पास रखवा देगा। अरे नहीं अम्मा को मरवाओगी का, हम कहते हैं कि गहना बैंक में रख देते हैं सुरक्षित है, और जब जरूरत होगी तो बैंक से निकाल लेंगे गलती से। ये आइडिया अच्छा है, हम अभी लेकर आते हैं। वाह बेटा गलती राम, क्या दिमाग लगाए हो गलती से। हाँ तुम्हारी सक्की सीला को शक नहीं हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा और अपना रुपया डबल हो जाएगा गलती से। अब तुम अकेले में कहाँ बड़बड़ा रहे हो। अरे तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे गलती से। अब हम चलते हैं। सुनो हाँ? तुम जो हमारे गहने बैंक में जमा करने लेके जा रहे हो, क्या बात? बोलो बोलो।
बैंक में कोनो लेडी जोड़ी है का? अरे चिंता न करो शीला रानी, बैंक में सब मर्द ही मर्द है और वो भी बूढ़े। फिर तो कोनो टेंशन की बात नहीं है, जाओ जमा करके आ जाओ। अच्छा शीला रानी है। चाचा जी, भैया रुपया लेके आए हैं। भैया ये हैं हमरे नटवर चाचा, हम लोग प्यार से नट्टू चाचा बोलते हैं। प्रणाम चाचा, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। भैया बताओ ये बिल्डिंग किसने बनाई है? कौनो बनाया ये बिल्डिंग? अरे यही तो हम पूछ रहे हैं कि किसने बनाई और तुम हमसे पूछ रहे हो किसने बनाई है। भाई हमने तो सिर्फ एक कंपनी बनाई है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो भी अकेले। ले देके फाइनेंस कंपनी। हमका हरिया ने बताया है गलती से। गलती से? गलती से इसको बोलने का आदत है, वैसे इनका नाम भी गलती राम है। गलती राम। गलती से। अब बैठो बैठो बैठो। धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद। गलती राम, तुम्हें देख के हमें उन बच्चों की याद आ गई जो कभी पैदा ही नहीं। इसके पीछे भी एक कहानी है, सुनोगे? अरे क्या करोगे कहानी सुन के, वो कहानी तो हमें भी याद नहीं है। अरे चाचा जी ये लो, पूरे 25,000 रुपए हैं, गिन लीजिए, गलती से एक भी कम नहीं है। कम? भाई कम से हमें याद आया कि आजकल हमें कम याद रहने लगा है। चाचा 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 फॉर्म। अरे हाँ फॉर्म फॉर्म फॉर्म। सुनो भाई ये फॉर्म भर दो, नाम पता लिख दो और पैसा हमें हाथ। लेकिन आपको याद तो रहेगा ना चाचा जी? ए जी सुनते हो? हाँ बोलो। ये बैंक में चोरी डाका नहीं पड़ता है का? अरे पड़ जाता है कभी कभी गलती से। हाय दया, अगर अपने बैंक में चोरी डाका पड़ गया तो क्या होगा? अपना घर तो चला जाएगा। अरे तुम्हार गहना बैंक में होगा तब ना। का? गहना बैंक में नहीं है तो कहाँ है? अरे तुम्हार गहना बैंक में नहीं है। तुम्हार गहना बैंक के लॉकर में है। लॉकर में? हाँ। लॉकर कहाँ है? लॉकर बैंक में, मतलब बैंक के नीचे बेसमेंट में, अंडरग्राउंड। गलती से। लेकिन एक काम करो, अभी जाके गहना लेकर आओ। अभी? हाँ, वो सोमवार को हमको शादी में जाना है ना, तो पहनने के लिए चाहिए। अरे शीला रानी अभी 2 दिन तो छुट्टी है, बैंक बंद है। सोमवार को बैंक खुलेगा ना तो हम निकाल के ले आएंगे। ठीक है। कहा है कि हमने गहने गिरवी रख दिए हैं मटकापुर के लाला के पास गलती से। मटकापुर? हाँ। अरे ताकि जीजी को भनक ना पड़े ना, इसलिए, समझे? हाँ, और बिना रुपया लिए वो मटकापुर का लाला हमको गहने वापस देगा नहीं, गलती से। देखो पिपासा, हमारा नाम मिस्टर जुगाड़ू लाल जरूर है और हम छोटा बड़ा कैसा भी जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन ये मटकापुर के लाला क्या चोरी चकारी तो कतई नहीं करेंगे। अरे अम्मा कसम जुगाड़ू, चोरी चकारी करने की बात कौन कर रहा है? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि बस तुम रुपयों का जुगाड़ कर दो। अरे जुगाड़ू अम्मा कसम, हमारे पास होता ना तो हम तो दे देते। और अब गिरवी रखने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, गलती से। वैसे हम 25,000 रुपए के लिए खुद को गिरवी रख सकते हैं। हाँ। अरे ना 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 गलती भैया, ऐसी गलती मत करना, 25 रुपया भी नहीं मिलेगा। हाँ सही तो है। अब नहीं, हमारा मतलब है अम्मा कसम जुगाड़ू, एक तुम ही तो हो पूरे पटकापुर में जो बिना किसी चीज के 25,000 का जुगाड़ कर सकते हो। अब बात जुगाड़ की है तो हम ही को करना पड़ेगा ना, जुगाड़ू लाल नाम हमारा ही तो है। गलती से। चीनी? मीठा थोड़ा कम लग रहा है। एक घूट लगा लो ना, मीठा हो जाएगा। जगारो, तुम आजकल बहुत नाटक करते जा रहे हो। लाओ। लाओ, अब तुम ये जल्दी से पी के ना यहाँ से फट जाओ, नहीं तो दांतों आ गए ना तो हम दोनों के सामत हो जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं है चीनी, बुद्धा जैसा भी है दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, अरे माना कि लीचा है, कंजूस है, मोटा है, काला सांड है। बोलो
लेकिन बुढ़ा दिल का हीरा है चीनी। अबे हीरा तुमरे मुंह में जीरा। अबे हमारी तारीफ कर रहा के बुराई। किसी की प्राइवेट बातें सुनने में शर्म नहीं आती? अबे तुमका शर्म नहीं आती हमारी बिटिया का फुसला के फ्री कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? देखिए ससुर जी, अबे ससुर जी द्वारा कहा तो तुमका मुंह फोड़ देंगे, बोतल तोड़ देंगे। इधर रहो, अब फूट रहे। ठीक है, जाते हैं जाते हैं, बाद में छापा पा पड़ जाएगा ना, तो हमसे ना कहना कि बताया नहीं। छापा? कैसा छापा? इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स का छापा? पापा तुमको कैसे पता? पापा जुगाड़ का एक दोस्त ना इनकम टैक्स ऑफिस में है और उसने बताया कि हमें यहाँ ना छापा पड़ने वाला है बड़े वाला। जितना ब्लैक मनी दबा के रखे हो ना सब जब्त हो जाएगा, सड़क पे आ जाओगे। क्या बात कर रहा है? हाँ सही बात कर रहे हैं। एक फ्री का आइडिया दे। हाँ जितना माल है ना दो चार दिन के लिए कहीं सटका दो। हाँ। अच्छा अरे हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास रखवा दो, सेफ रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। हमको हो गया क्या? अच्छा तुमको क्या लगता है कितना होगा हमारे पास ब्लैक मनी? 25-30 हजार तो होगा। समझ गए समझ गए। तो तुमको 25-30 हजार का जुगाड़ करना है। हाँ नहीं हाँ? नहीं अबे तुमको 25 हजार तो क्या 25 जूते फ्री में मारे, 25 हुडी कौन तुमको दे? अरे हमको मालूम है किसके भले के लिए करा रहे, हम तो क्या पूरा पटकापुर नहीं देगा इसको। अरे पैसा तो छोड़ो, फ्री में गाली नहीं देगा इसको, समझे? ये बात है। हाँ ये बात है। तो ठीक है, इसी पटकापुर से 25 हजार रुपया जुगाड़ करके ना दिखाया तो हमारा नाम जुगाड़ू लाल। अगर तुम्हारे जुगाड़ू को हम कैसा आड़ू बनाते हैं? अरे हमारी बोतल, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा गुर्जा तोड़ दिया। बेटा जुगाड़ू, गलती भैया से वादा तो कर दियो कि रुपयों का जुगाड़ करके देंगे, पर रुपयों का जुगाड़ होगा कैसे? ये देखो भैया, हमने नए सोने के झुमके। झुमके? वो भी सोने के? कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहाँ से आए? का पापा ने ला के दिया। और का पापा? ये देखो अम्मा, तुम्हारे हस्बैंड ने अपनी बिटिया को सोने के झुमके दिए और इस हैंडसम बेटे पे 2 रुपया खर्च करने में इनका फटा जाती है। ए जी, हमारी साड़ी के लिए कभी आपके पास मनी नहीं रहा और चुलबुल के लिए गोल्ड का रिंग ले आए। अरे हम कोनो इयररिंग फिरिंग नहीं लाया है, झूठा इल्जाम लगा रहा है बाप पर। अरे तो सवाल ही पैदा होता है कि ससुरे सोने के गोल्ड रिंग आए कहां से। अरे तुम्हारी बहन है, पता लगाओ कौन छुप छुप से गिफ्ट देता है। हमका अपनी बहनी पे पूरा विश्वास है। ये पूरे पटकापुर में कौनो ऐसा इडियट नहीं है जो हमारी बहनी को गिफ्ट दे। हे, हमने तो भैया को उल्लू बनाया मजा आ गया। ये तो हमारा पुराना वाला झुमका है जिस पर हमने ना गोल्डन पॉलिश किया है। गोल्डन पॉलिश? हाँ, वो हमारी सहेली है ना बबली, उस शहर से ना हमारे लिए गोल्डन पॉलिश लाई है, हमने वही पॉलिश इस पर किया है। अरे गैया रे, ये तो एकदम असली सोना लग रहा है। अरे जमुरी भी धोखा खा जाए अम्मा। एकदम रियल लग रहा है। फंदे के हरे को सावन ही सावन नजर आता है। हे भगवान, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। कैसा उल्लू बनाया ना हमने तुमको, है कि नहीं? गलत बात, चल बोल बात है, बड़ी बात है। गधे को उल्लू नहीं बनाता। जिससे हमारे माइंड का टेलीविजन सेट में एकदम क्लियर पिक्चर आ रहा है। कौन सा पिक्चर देख के आया हो तुम? है किसकी बात कर रहे हो? बच्चों का पिक्चर है, आप नहीं आए। आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम? हाँ हाँ खाएंगे खाएंगे, आओ। दुनिया जाए भाड़मा, लग गया अपने जुगाड़। पूरा पटकापुर सब अपना अपना माल दिया वो कंपनी में। पूरे 5 लाख रुपया हम पता लगाए। 5 लाख रुपया? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे बे? हमारा पैसा डबल हो गया ना, 3 महीने में हम करोड़पति बने वाले हैं। जुगाड़ लगाए हो बे?